चलो नमस्ते। वैसे मुझे मेरे गांव के बाबा लोग बोल रहे हैं इंग्लिश में बोलने, पर मैं हिंदी में बोलना चाहूंगी क्योंकि हमारी मातृभाषा है और आज हम सुने हैं कि मातृभाषा दिवस भी है तो मातृभाषा में बोलना ही ठीक है। वैसे तो खोटा है भाषा जो मुझे समझ आती है पर मैं बोल नहीं पाती हूँ। मेरे गांव वाले जब मुझे सिखाते हैं तो हंसते भी हैं जब मैं एक दो वर्ड बोलने की कोशिश करती हूँ। क्रिकेट के बारे में जो उन्होंने कहा, मेरे पापा के बारे में उन्होंने कहा, कैप्टन पीके सिंह, उनके वजह से डंडा कोहली में क्रिकेट एक्चुअली शुरू हुआ था। उनका जो बैच था वो लोग ने घर घर से 2-5 रुपए इकट्ठा करके आसनसोल से जाके क्रिकेट बैट और बॉल लाए थे और गिल्ली डंडा खेलने वालों को, फुटबॉल खेलने वालों को सिखाया था कि भाई ये क्रिकेट क्या होता है, इसके रूल्स क्या होते हैं, क्या नहीं। और वो दिन है और आज का दिन है जब आप देख रहे हैं कि डंडा कोहली यहाँ पे भी खेल रहे हैं 200 टीमों में और इतना अच्छा खेल रहे हैं और हम लोग काफ़ी जीतते भी आते हैं। तो पापा के कारण ही मेरा ये इंटरेस्ट है और मेरे भाई के कारण वो भी खेलता है अपने इंटर स्कूल लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे महाराष्ट्र में खेल चुका है, तो उसी के कारण इंटरेस्ट है मेरा और धोनी के कारण इंटरेस्ट है मेरा क्रिकेट में। और धोनी ने झारखंड का नाम मैप पे ले आए थे, कुछ लोग झारखंड का नाम मैप पे किसी और कारण की वजह से ले आए हैं जैसे कि जामताड़ा, आप लोग जानते होंगे। तो हम लोग जब बाहर रहते हैं मुंबई वाले, हमको हर तरह का भेदभाव झेलना पड़ता है। जैसे कि मुझे देखकर कोई बोल देगा आप तो पंजाबी लगती हो, बिहार से हो नहीं सकती। मैंने बोला क्यों, क्योंकि फिल्मों में दिखाते हैं बिहारी कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या होते हैं, या वहाँ पे हमारा ये है, मतलब लोगों को परिचय ऐसा लगता है, ठीक है लोगों को ऐसा लगता है बिहार झारखंड वालों का या यूपी वालों का परिचय कि यहाँ पे सब मजदूर हैं और उनको वैसा ही दिखाना है या बोले वाले हैं, जबकि छवि कुछ और है। हमारे यहाँ सम्राट अशोक थे, चाणक्य थे, एक टाइम पे जब अखंड भारत था तो कैपिटल पाटलिपुत्र पटना था। जब अभी हम झारखंड में पहले हम बिहारी थे, तुम भले ही झारखंड बुला लो रहेंगे तो हम बिहारी। तो कहने का बात यह है कि ये लोग जानते नहीं हैं और ये लोग बिहारी शब्द को एक गाली बना के देते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये छवि हम बदलें। तो आप लोग जो मतलब और भी छोटे बच्चे हैं मुझसे और जो हमारे मेरे एज के लोग हैं, यूथ हैं, हम लोग ये सोचें कि किस तरह से ये छवि को बदल सकते हैं। बस मैं कहना चाहूँगी।